आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिम्पसन 3/8 रूल और वेडल्स रूल की। पिछले वीडियो में हमने सिम्पसन एक तिहाई नियम और ट्रेपेजॉइडल नियम की बात की थी। जब सामान्य क्षेत्रफल सूत्र में n बराबर 1 रखते हैं तो ट्रेपेजॉइडल सूत्र मिलता है या नियम मिलता है। n बराबर 2 से प्रतिस्थापित करने पर हमें सिम्पसन 1/3 रूल मिलता है। n बराबर 3 प्रतिस्थापित करने पर हमें सिम्पसन का 3/8 रूल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से n बराबर 6 रखने पर हमें वेडल नियम प्राप्त होता है। तो आज हम बात करते हैं सिम्पसन 3/8 रूल की। जब क्षेत्रकलन सूत्र में n बराबर 3 प्रतिस्थापित करते हैं तब हमें सिम्पसन 3/8 नियम प्राप्त होता है। जिसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मानक रूप है, वह है I=x02 x02 plus nh ydx = 3/8 h। y नॉट प्लस y n प्लस 3 टाइम्स ऑफ, यहां पर हमारा जो 3 के मल्टीपल नहीं है वही कोटियां आती है, प्लस ट्वाइस ऑफ द मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 की मल्टीपल y 3 प्लस y 6 प्लस y 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सिम्पसन 3/8 रूल का। जो सिम्पसन का 3/8 नियम है उसके अनुसार क्षेत्रफलों का जो सूत्र है आई बराबर एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच वाई डी एक्स इक्वल टू 3/8 h इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन, मतलब चरम कोटियों का योग, प्लस 3 टाइम्स ऑफ द एलिमेंट्स y1, y2, y3, सम ऑफ y1, y2, y4 प्लस y5 एंड सो ऑन, प्लस 2 टाइम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज y3 प्लस y6 प्लस y8 9 अप टू सो ऑन। जो 3 के गुणज हैं, 3 6 9 वो सभी यहां आएंगे, और जो 3 के गुणज नहीं हैं 1 2 4 5 7 8 10 अप टू सो ऑन, वो सभी 3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, और पहला जो पद है हमारा वो चरम कोटियों का योग है वाई नॉट प्लस वाई एन। तो इस प्रकार से यह जो नियम है वो आपका सिम्पसन 1/3 नियम कहलाता है। इसके बाद हमारा है वेडल्स रूल या वेडल का नियम। तो वेडल्स रूल के लिए फोर्थ रूल है, ये थर्ड रूल था। वेडल रूल के लिए हम जानते हैं कि जो वेडल का रूल है उस वेडल रूल में n बराबर 6 जब n बराबर 6 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो n बराबर 6 सब्स्टिट्यूट करने पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलता है i बराबर x नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच वाई डी एक्स
cos 2 3h upon 10 y naught plus 5yn plus y2 plus 6y3 plus y4 plus 5y5 plus 2y6 and so on. ये हमारा वेडल्स रूल है। अब हम वेडल और सिम्पसन 3x रूल का एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है Evaluate the following integral by Simpson three a and वेडल्स रूल। सिम्पसन थ्रीएट और वेडल नियम के द्वारा निम्न समाकलन को हल कीजिए। समाकलन है हमारा 0 टू 6 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें सिम्पसन एक तिहाई और ट्रेपेज वेडल सूत्र के द्वारा भी इसका सॉल्यूशन किया था। आज हम बात करते हैं सिम्पसन थ्रीएट और वेडल रूल द्वारा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जो हमारा समाकलन क्लास है 0 से 6 के 6 समान भाग करने पर तो x1 होगा हमारा 0, x1 होगा हमारा 1, x2 होगा 2, x3 होगा 3, x4 होगा 4, x5 होगा 5 और x6 है हमारा 6। इन सभी पर हम y के मान निकालते हैं। ये x और ये y। चूंकि y बराबर 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है तो इस सूत्र को हम काम में लेके हम x के मान रखते हैं 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर 1, फिर हम रखेंगे 1, 1 रखने पर ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 1 अपॉन 2 0.5। इसी प्रकार से 2 रखने पर 1 अपॉन 1 प्लस 5 तो 1 अपॉन 5 जो होता है वो 0.2। इसी प्रकार से 3 प्रतिस्थापित करने पर 1 अपॉन 1 प्लस 9 तो 1 प्लस 9 10, 1 अपॉन 10 0.1। 4 जब हम 4 प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर 4 रखने पर इसकी वैल्यू 0.5 डबल 8 2 4। ऐसे ही 5 प्रतिस्थापित करने पर इसका मान आएगा 0.038462 और 6 रखने पर इसका मान हमें प्राप्त होता है 0.027027। तो ये हम x बराबर इस सूत्र में x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबट्रूट करके और y के संगत मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम सूत्रानुसार जो हमारा सिम्पसन नियम है सिम्पसन 1/3 3x नियम लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 टू 6 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इट इज इक्वल्स टू 3h अपॉन 8 y नॉट प्लस y6। चरम कोटियां हमारी y नॉट और y6 हैं, तो चरम कोटियों का योग प्लस 3 टाइम्स ऑफ जो हमारी कोटियां हैं जो 3 की गुणज नहीं है वो है y1
बाय टू बाय फोर बाय फाइव, ये उन कोटे पर लोग हैं जो तीन की गुणज नहीं है, प्लस टू टाइम्स ऑफ दो गुणा हम करते हैं जो तीन के गुणज हैं, तो तीन के गुणज है हमारा वाई थ्री और वाई सिक्स, क्योंकि वाई सिक्स हमारा चरम कोटि था तो केवल वाई थ्री ही हम यहां पर लेंगे। अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, थ्री अपॉन एट, एच का मान हमारा वन है, वाई नॉट प्लस वाई सिक्स, तो वाई नॉट है हमारा एक और वाई सिक्स का मान है 0.027027 प्लस थ्री टाइम्स ऑफ वाई वन 0.5, वाई टू 0.2, वाई थ्री हमारा यहां पर नहीं आएगा, वाई फोर 0.058824 प्लस वाई फाइव 0.038462 प्लस टू टाइम्स ऑफ वाई थ्री एंड वाई थ्री इज 0.1 ब्रैकेट क्लोज। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिलता है हमें 1.357082 अप्रॉक्स। इसी प्रकार से हम वेडल सूत्र में भी इन मानों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, पुनः वेडल नियम से 02 x0 2 x0 plus nh y dx equals to that 3h upon 10 y naught plus y6 plus 5 times of y1 plus y5 plus y2 plus y4 plus 6 times of y3। अब यहां पर भी हम मान प्रतिस्थापित करते हैं, 3 upon 10 h का मान 1 है, y0 का मान 1 प्लस y6 का मान 0.027027 प्लस 5 टाइम्स ऑफ y1, तो y1 का मान है 0.5 प्लस y5 का मान है 0.038462 प्लस y2 प्लस y4, तो y2 का मान है हमारा 0.2 प्लस y4 का मान है 0.058824 प्लस 6 इंटू y3 एंड व्हाट इज y3, y3 इज 0.1। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो है 1.37344483 अप्रॉक्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही समाकलन के हमने सिम्पसन 3/8 से जो सॉल्यूशन निकाला है और वेडल रूल से जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो दोनों भिन्न भिन्न हैं परंतु लगभग समान हैं। दोनों का जो आंसर आ रहा है वो 1.3734 और यहाँ पर 1.3570। इस प्रकार से लगभग समान मान प्राप्त होता है। अगले टॉपिक में हम और अन्य सूत्रों की बात करेंगे। थैंक यू।